कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे है, इसके पास धीरे धीरे पहुंचते हैं। कहानी शुरू करते हैं बहुत बेसिक से, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ था नंबर्स का, उसके बाद करते हैं। जैसे सबसे पहले किसी ने कोई इक्वेशन सॉल्व किया हो तो उसको पता हो, जैसे कोई इंसान ऐसा इक्वेशन सॉल्व कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो उसने देखा यहाँ से कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाए, वन आ जाए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ सकता है, प्लस माइनस वन, अगर एक्स क्या हो, रियल नंबर हो, एक्स क्या हो, रियल नंबर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिला, प्लस माइनस वन। मान लो कि रियल नंबर हमें पता था कि रियल नंबर क्या है, तो वहाँ से एक्स का वैल्यू हमने देखा प्लस माइनस वन आ गया, ठीक। उसके बाद कहानी आगे बढ़ा, तो किसी ने सॉल्व करते टाइम किसी को ऐसा इक्वेशन मिल गया, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से देखा गया तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया कितना, माइनस वन। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन आया, रियल नंबर के बारे में हमें पता लग चुका है कि रियल नंबर क्या होता है। अब हमें यह भी पता था कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर करें तो क्या कभी निगेटिव हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। किसी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, अगर जीरो हुआ तो, अदरवाइज वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक बात तो तय हो गई कि यहाँ से जो एक्स निकल के आएगा वो रियल नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा, तो बनाने वाले ने इसको एक नया नाम दिया कि यहाँ से एक्स जो निकल के आएगा दैट इज अंडर रूट हाउ मच, माइनस वन, और उसने इसको बोला क्या, एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन को उसने नाम दिया आई, आई को बोलते हैं हम लोग आयोटा, और उसने इसको बोला कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रुक जा भाई, जल्दीबाजी नहीं, इसको कैसा नंबर उसने बोला, इमेजिनरी नंबर। तो एक नया नंबर मार्केट में आया, यूलर साहब का काम था ये, यूलर साहब एक थे मैथमेटिशियन, उनका काम था, उन्होंने बोला कि एक्स इक्वल टू आयोटा, आयोटा का वैल्यू अंडर रूट माइनस वन, इसको उन्होंने बोल दिया दिस इज फर्स्ट इमेजिनरी नंबर, फर्स्ट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर उन्होंने बना दिया, बोला कि अब इमेजिनरी नंबर के साथ खेलते रहो। तो उसने देखा कि सबसे पहले अच्छा एक काम करते हैं, इसके इंटीग्रल पावर्स लगाते हैं, देखते हैं कहानी कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो उसने पहला हेडिंग जो हमारा है आज, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, ध्यान से सुनते जाना, अभी लिखना मत कुछ, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा का वैल्यू पता लग चुका था सर, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन आ चुका है, अगर इसका पावर टू कर दें आयोटा स्क्वायर तो क्या मिलेगा, माइनस वन, ठीक है। आ जाओ, तुम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए, आयोटा क्यों निकाले, तो बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग, आयोटा क्यों निकाले, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा इंटू माइनस वन, क्या इसको माइनस आयोटा लिख सकता था, ठीक। आयोटा टू द पावर फोर निकालना चाहूँ तो, आयोटा टू द पावर फोर निकालना है सर, एक काम करो आयोटा क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन कितना आ गया, वन, यानी कि आयोटा टू द पावर फोर कितना मिला, वन। फिर किसी ने बोला कि अच्छा आयोटा टू द पावर फाइव निकाल के देखो, तो आयोटा टू द पावर फाइव को आयोटा टू द पावर फोर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, देखो वन इंटू आयोटा, फिर से क्या आ गया, आयोटा। सिमिलरली आयोटा टू द पावर सिक्स निकाल के देखो तो माइनस वन आएगा, आयोटा टू द पावर सेवन निकाल के देखो तो माइनस आयोटा आएगा, और आयोटा टू द पावर एट निकाल के देखो तो क्या आ जाएगा, वापस से वन। तो ऐसे कहानी दिखा कि अच्छा रिपीट हो रहा है ये चार चार के बाद, देख रहे हो, आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा वन, वापस से कहानी रिपीट होने लग गया, आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और वन, यानी कि चार चार के इंटरवल के बाद कहानी अपने आप को क्या करने लग गया, रिपीट करने लग गया। तो हमने बोला कि इसका फायदा उठाते हैं, अगर आयोटा का बहुत बड़ा पावर आ जाए तो क्या करें, अब आयोटा टू द पावर 596 का वैल्यू निकालना है तो क्या करें, दिमाग लगाते हैं, पता लग गया कि आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, आयोटा टू द पावर 8 1 होगा, सिमिलरली आयोटा टू द पावर 12 1 होगा, आयोटा टू द पावर 16, यानी कि आयोटा के पावर में जब भी 4 का मल्टीपल आएगा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो उसने बोला कि अगर आयोटा टू द पावर n निकालना है, आयोटा टू द पावर n, इसको हम लिख लेंगे आयोटा टू द पावर r। बोला सर क्या कहना चाहते हो, जहाँ पे अगर n का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और ये जो r दिखाई दे रहा है, दिस r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आयोटा का पावर कुछ भी आ जाए 4 से बड़ा, 4 तक तो हमें पता है ही, 4 से बड़ा कुछ भी आ जाए पावर, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे वो आयोटा के पावर में लगा दो। नहीं समझे बात, जैसे आयोटा टू द पावर 20 है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे पता है कि 20 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो, तो इसको लिखेंगे हम आयोटा टू द पावर 0, यानी कि कितना इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। किसी ने बोला आयोटा टू द पावर 95 का वैल्यू बताओ, मैंने बोला 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, पक्का 3 आएगा,
तो आयोटा क्यू, और हम जानते हैं आयोटा क्यू जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, आयोटा क्यू इज माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा टू द पावर 1097 का वैल्यू निकालना है, कुछ मत करो, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ, डिवाइड करना तो आता है ना, करो। अरे कोई 2 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, 2 सर, तुम लोग डिसाइड कर लो, 1 होगा या 2 होगा, 1 होगा। तो आयोटा टू द पावर 1 यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। आयोटा टू द पावर 99 निकालना है, बोलो कितना लिख दूं, आयोटा पावर 0 3 पागल हो गया क्या, 0 1 3 2, अरे गधा हासम कहीं कहा, 3 आएगा पक्का। तो ये माइनस आयोटा के बराबर होगा, आयोटा क्यू दैट मीन्स माइनस आयोटा, ठीक है। किसी ने बोला 1/iota^99 निकालो, कुछ नहीं, डिवाइड करो 99 को 4 से, 3 आता, तो ये हो गया 1/iota^3 यानी कि 1/-iota, ठीक है बात, 1/-iota। अब 1/iota के बारे में एक खास बात जान लो, 1/iota कभी भी लिखना है तो 1/iota को लिखने के लिए हमने लिखा 1/iota इंटू ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं, तो ऊपर हो गया आयोटा और नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, अबे माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, यानी कि ये वैल्यू क्या माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो एक बात और दिमाग में जो रखने वाली है कि 1/iota हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1/iota क्या माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा के साथ एक और माइनस लगा, क्या ये आयोटा बन गया, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम आयोटा का इंटीग्रल पावर्स निकाल सकते हैं, बात क्लियर। और एक और इसमें खास बात क्या है, देखो इन चारों को ऐड करो, आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1, देखो 0 मिलेगा, देख रहे, इसको ऐड करो 0 मिलेगा। 4 कंजिक्यूटिव, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यू आयोटा 4 0, आयोटा टू द पावर 5 आयोटा टू द पावर 6 आयोटा टू द पावर 7 आयोटा टू द पावर 8 0, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। ये बाद में लिखा दूंगा, पहले जो कहानी बोर्ड पे लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कंफ्यूजन में मत डूब जाना कि आयोटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने अभी इमेजिनरी नंबर की कहानी स्टार्ट करी है, जिसमें आयोटा जो है अपना पहला इमेजिनरी नंबर है, नोट करो। अरे बच्चे तुम पहले कभी नहीं दिखा यार, पहली बार आया हूं। क्या नाम है तुम्हारा, क्या प्रीतिश मेधी, प्रीतिश मेधी, तुमको तो ऑनलाइन में भी कभी नहीं देखा था, शुरू से था, अरे था ये था, तुम देखने में क्लास 5-6 का लगता है, 11 में कैसे आ गया तुम, कब है डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा, 2004, 16 साल का है। तेरा मुंह चूच निकल गया, इस बच्चे का अभी कुछ नहीं निकला है, 15 2015 का है तू, कल ही पैदा हुआ है बोल दे, अठारह साल तक बच्चा जीरो एज का रहता है, अकॉर्डिंग टू, अच्छा पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, मेरा बाप तो आज भी मुझे जीरो ही मानता है, वो लोग हमेशा रिलेटिव देखता है ना, जब हम पैदा हुए थे तो वो लोग मान लो 25 साल के थे, 25 साल हमसे बड़े थे, वो आज भी हमसे 25 साल बड़े हैं, अकॉर्डिंग टू देम मैं आज भी बच्चा ही हूं, मतलब हाँ। कैसा लगा घूम के, हाँ मजा आ गया, पोस्ट देख रहे, पोस्ट पोस्ट नहीं पोस्ट, पोस्ट दिया तो इंस्टाग्राम में एक दो, आपका इंस्टाग्राम है नहीं, मुझे ब्लॉक कर दिया है मार्क जकरबर्ग ने, मेरा ही होना चाहिए लॉजिकली, तुम्हारा नहीं होना चाहिए आरामी, तुम भी पहली बार आए क्या आज क्लास, हेलो नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, सम्राट, सम्राट ये था क्या मार्केट में, सब नया नया दिख रहा है, हाँ मैं भी नया दिख रहा हूँ, तू क्या किया है अपने साथ, सब नहीं दिख रहा, एक दो दिखा ना, एक ये दिखा एक ये दिखा, बाकी सब तो पहले आया है कभी ना कभी, तो
आयोटा टू द पावर आर क्यों लिखा? भावना आ जाओ उधर चले जाओ वहां पे, तुम क्या आराम से झूम झूम के आ रही थी क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पता नहीं, अभी तक नहीं पता, तुमको पता है क्या व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? नो सर, स्कूल में पढ़ा होगा? लेकिन नहीं नहीं पता सर, कोई बात हमारा एग्जाम में आया था तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, 1 बाय आयोटा का पावर कुछ था, तू तो नहीं निकाला होगा पक्का। पढ़ा ही नहीं है सर क्या, मैंने फिर भी कुछ वो लॉजिक को निकला कितना लॉजिक लगाया, ये देखो मतलब रूट के अंदर माइनस 1 होता है इतना याद था, तो मैंने वही करके पावर 25 या समथिंग ऐसा कुछ था। लॉजिक होगा ऑनलाइन जानकारी पीछे नहीं, ये लॉजिक कैसे लगा सकता है, ये इम्पॉसिबल बात है, नया धंधा हो जाएगा इसके लिए, लॉजिक और दिमाग तुम्हारे लिए नहीं बना है भाई, मत लगाओ। अच्छा एग्जाम घर पे था तो गूगल से पूछ लेता जब एग्जाम घर पे था, तो गूगल ने धोखा दे दिया, अब तो उल्टा पुल्टा लिखता होगा गूगल में तो क्या होगा। वाह चलो गूगल गूगल देगा जवाब, केमिस्ट्री दे देगा, बायोलॉजी दे देगा, मैथ थोड़ी देता है, क्या बात कर रहा है, बायोलॉजी 100% जवाब देता है, अजीब आदमी है, 5 मार्क का उसको थोड़ी पता है भाई, वो तो आंसर ही देगा ना तुमको, तुम बोलेगा कितना हड्डी है वो बोलेगा 206 है, वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं एक नंबर का है ये 5 नंबर का नहीं है। हो गया, नीचे नोट डालो और लिखो, नोट डाल के लिखो, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, दैट मीन्स आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, लिख लिया कुछ। चलो कुछ सवाल करते हैं, आयोटा आयोटा खेलते हैं पहले, आयोटा टू द पावर r समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 100 क्या होगा वैल्यू बताओ? माइनस 1 हो जाएगा, हर गधा दिख रहा है साफ साफ 1 से 100 तक जा रहा है, क्या ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू प्लस डॉट 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 आयोटा पावर 100 तक है? क्या चार चार का पार्टनर बन जाएगा सारा? चार 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 और हर चार में 0, तो क्या आंसर क्या हो गया? 0। अच्छा अगर यही सवाल होता कि समेशन ऑफ आयोटा पावर आर, आर का वैल्यू 1 से लेके 99 तक, अब क्या होता? अरे जल्दीबाजी नहीं, लाहे लाहे आराम से, माइनस 1 हो जाता। अच्छा बताओ कहां तक 0 हो जाता? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है आयोटा पावर 99 तक, है कि नहीं? ठीक है, तो कहां तक? 96 तक का तो काम खत्म हो गया, 4 × 24 96 तक गए, तो क्या अपने पास मार्केट में बचते आयोटा पावर 97 प्लस आयोटा पावर 98 प्लस आयोटा पावर, क्या यही बचते, बाकी सब 0? आयोटा पावर 97 कितना?
फोर से डिवाइड, क्या रिमाइंडर वन बचता तो आई, और यहाँ पे टू बचता है आयोटा स्क्वायर, और यहाँ थ्री बचता आयोटा क्यू। क्या आयोटा क्यू और आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आयोटा क्यू इज माइनस आयोटा, तो क्या आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है बच्चों, आंसर क्या आता माइनस वन। बात समझ में आ रही है सबको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ पे है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, आपको बताना है आयोटा टू द पावर 4k प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके सामने आयोटा माइनस आयोटा 1 0, बोलो। सवाल बोर्ड पे है सबके लिए, हाँ जी इसका आंसर क्या होगा। कभी तो एक सुर में एक आंसर बोल दिया करो तुम लोग, आयोटा होगा, आयोटा इज करेक्ट। अरे गधों इधर देखो, आयोटा टू द पावर 4k प्लस 1 क्या होगा इसका वैल्यू, अरे इसको ऐसे लिख लो यार तुम लोग, आयोटा टू द पावर, ये लो 4k इंटू आयोटा पावर 1 लिख सकते थे, अच्छा इसको क्या लिख सकते थे, आयोटा टू पावर 4k डिवाइडेड बाय आयोटा लिख सकता था, हाँ डिवाइड बाय 2, आयोटा टू द पावर 4k 1 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल है पावर, तो वैल्यू कितना 1, तो यहाँ क्या बचा आयोटा माइनस, यहाँ बचा 1 बाय आयोटा डिवाइड बाय 2, और हम जानते हैं 1 बाय आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 आयोटा बाय 2 क्या आया आयोटा आएगा। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 आयोटा 6 डॉट 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 2n प्लस 1 टर्म्स है, इसका वैल्यू क्या आएगा। बिल्कुल कर लो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया अब दिमाग में सबके सीबीटी चलने लगता है, सर पुट कर दे क्या, माइनस कौन सा बोल रहे हैं तो ऊपर वाला नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला, पहले ऊपर वाला करना था, कोई नहीं हाँ जी विद्वान लोगों देखें जरा इधर बोलो आंसर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, आयोटा फोर कितना होता है, आयोटा सिक्स कितना हो जाएगा माइनस वन, फिर आयोटा पावर एट होता फिर कितना, ऐसे चलते रहता वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन, ठीक टू एन प्लस वन टर्म्स है, टू एन प्लस वन मतलब इवन या ऑड, ऑड ऑड टर्म मतलब या तो वन टर्म या तो तीन टर्म या तो पांच टर्म, कुछ भी हो सकता है, जरा बताओ एक टर्म होगा तो आंसर कितना माइनस वन, तीन टर्म होगा तो माइनस वन, पांच टर्म होगा तो देख रहे हैं यानी कि हर बार आंसर कितना आएगा माइनस वन, अगर यही पे टू एन टर्म्स होता तो दो टर्म या फिर चार टर्म्स, देखो सब कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता जीरो, तो यहां पे चूंकि ऑड टर्म्स है लिख लेना 2n plus 1 is odd terms, so answer is minus 1, अगर 2n टर्म्स होता लिख लेना साइड में, अगर 2n टर्म्स होता यानी कि इवन टर्म्स तो आंसर जीरो होता। उसके अगला सवाल भी लिखा हुआ है आपके सामने,
हाँ जी, अगला सवाल भी स्क्रीन पे है, पहले ये सही आंसर बताओ। अरे इसका तो बता दो सब लोग, -4 सबका आ रहा है, कुछ लोग अभी भी कोमा में है। अच्छा, आयोटा टू द पावर 19, क्या आयोटा क्यू हो जाएगा और क्या ये 1/i हो जाएगा, बोलो ना। अच्छा, तो आयोटा क्यू हो गया -i और 1/i भी हो गया -i होल स्क्वायर, तो -2i होल स्क्वायर, क्या 4i² हो गया और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो आंसर इज -4। सही बात। चलिए ये बोलो, बाप रे, ऐसा खतरनाक आंसर लेके आ गया तू, i+1/i-1। रेशनलाइज करके देख तो, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग डिवाइड करने में यार, हट, तुम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग डिवाइड करो, बहुत बढ़िया आंसर वहां से भी आएगा, पैटर्न ऑब्जर्व करो। -1 सही है, वेरी गुड। अरे गधा, ऊपर नीचे 10 का डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है क्या सबको? अगर ऊपर आयोटा पावर 10 कॉमन ले लेता तो यहां जो है क्या वही यहां भी है, ये लो। जान लगा दिया तुम लोगों ने, हम इतना मेहनत कर रहे थे। कोई नहीं, तेरा फील जो है ना वो भी तेरी तरह है, कभी कभी आता है। देखना कहीं गलत जगह में ना आ जाए, और जो अच्छा हाँ आना है वहां आया ही नहीं पता लगा। चलो जी, ध्यान दो। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, डेफिनेशन पे आते हैं। रियल नंबर पता लग गया, इमेजिनरी नंबर पता लग गया, नाउ द स्टोरी इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन बोलता है, लिखो एक लाइन, लिखो, एवरी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x+iy, एवरी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x+iy, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स,
वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एवरी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये डेफिनेशन है बच्चों, अब ध्यान से सुनो. कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से. किससे? जनरली कहीं पे सी भी होगा, कुछ भी होगा. तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे एक्स और वाई क्या है? रियल नंबर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हर वो नंबर जिसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, जहां पे एक्स और वाई एक रियल नंबर हो, हम उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे. जहां पे ये जो एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स देखो दो टर्म है यहां पे, एक जिसमें आयोटा नहीं है, एक जिसमें आयोटा है. तो जहां आयोटा नहीं है एक्स, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कैसा पार्ट? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड. और इसको डिनोट करेंगे आर जेड से, या फिर कहीं पे आर ई जेड लिखा रहे. और ये जो आयोटा के साथ दिखता है वाई, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड. और इसको डिनोट करते हैं आई जेड, या फिर कहीं आई एम जेड हो, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें हैं. अच्छा जी, बात समझ में आ गई सर. जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में एक्स हो गया रियल पार्ट, वाई हो गया इमेजनरी पार्ट. ठीक है, जो आयोटा के साथ है वो है इमेजनरी पार्ट. अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल दो. मैंने बोला जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा. बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? है. इसका रियल पार्ट कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? टू. और इसका इमेजनरी पार्ट बोले तो क्या बोलोगे? थ्री. अरे थ्री आई नहीं, आई के साथ वाला. ठीक है, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आ गया जेड इक्वल टू टू माइनस फाइव आयोटा. कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसका रियल पार्ट क्या है? टू. इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? माइनस फाइव. दिखाई दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आ गया जेड इक्वल टू माइनस फाइव. मैंने पूछा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? अरे है, बिल्कुल है. क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते माइनस फाइव प्लस जीरो इंटू आयोटा? लिख सकते हैं ना, जीरो भी तो रियल नंबर है. तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया? माइनस फाइव. और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया? जीरो हो गया सर. कहीं पे लिखा हुआ है जेड इक्वल टू माइनस फाइव आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? रियल पार्ट क्या है इसका? जीरो. और इमेजनरी पार्ट क्या है इसका? माइनस फाइव. कहीं पे लिखा हुआ है जेड इक्वल टू जीरो, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसका रियल पार्ट क्या है? जीरो. इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? जीरो. कहीं पे लिखा हुआ है जेड इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसका रियल पार्ट क्या? टू माइनस रूट थ्री. इमेजनरी पार्ट क्या? जीरो. अरे नहीं है क्या? बिल्कुल है. टू माइनस रूट थ्री रियल नंबर है कि नहीं है? प्लस जीरो इंटू आयोटा अपनी मर्जी से लगा देंगे. अच्छा चलो, अपने दिमाग में सब लोग सोचो एक एक नंबर जो तुमको लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. बहुत सिंपल सवाल किया है मैंने. एक ऐसा नंबर बताओ जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. अनपॉसिबल. एक तो अरे इन्फिनिटी की बात ही नहीं कर रहे यार, रुक जा. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को माफ कर दो, उसके अलावा बताओ. ऐसा कोई नंबर है ही नहीं. तो कोई बोले व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? दुनिया का हर नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. वो चाहे रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो. समझ रहे हो बात? हर नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. और इनफैक्ट बोला जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप है. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सबका बाप है. सब इसके बच्चे हैं. सारे नंबर इमेजिन करके देखो. फाइव, फाइव को रियल नंबर बोलेंगे हम, ठीक है ना? इंटीजर्स बोल सकते हैं हम. लेकिन रूट, सॉरी, ये मान लो आ गया नंबर तुम्हारे पास आ गया फाइव आयोटा, या फिर कोई एक नंबर ले लिया था हमने, टू माइनस रूट थ्री ले लिया था, ठीक है ना? ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. फाइव भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. यहाँ पे एक नंबर आया था माइनस फाइव आयोटा, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो जितने भी नंबर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्योंकि हम सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में. बात समझ में आया? तो सबका बाप कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको लिख लो. तो इसमें तीन तरह की बातें निकल के आती हैं बच्चों. जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो तुमको दिखा, कंडीशन वही है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. तीन बातें. पहला पार्ट, अगर इसका रियल पार्ट जेड जीरो हो जाए. रियल पार्ट जेड जीरो मतलब एक्स जीरो, जैसे कि ये वाला नंबर,
ये देखो इसमें रियल पार्ट था क्या? नहीं था। रियल पार्ट इसका क्या था? जीरो। यहां पे इस जेड को बोलते हैं, जेड इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। कैसा? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कहानी है, अगर इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, इमेजिनरी जीरो मतलब वाई जीरो, जैसे हमने ये लिया था माइनस फाइव लिया था, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या था? जीरो था। तो ये पूरा रियल है ना, दिस इज नोन एज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर कभी दोनों जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं जिसका दोनों जीरो हो, इसका नाम है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। चलो लिखो। तो अब जाके हम पहुंचे कॉम्प्लेक्स नंबर के पास। तो हर नंबर जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर है, खत्म कहानी। तुम कॉपी के परपेंडिकुलर लिखता है यार। नहीं, ऐसा लगता है अभी उधर जाएगा लेकिन तुम इधर जाता है। लिख चुपचाप, दिमाग लगाएगा तू अपना। तो ऐसा किया क्या? मैं ईमानदार हूँ। अरे ये तो वही वाला कहानी हो गया, डिजेबिलिटी वाला कहानी सुनाया था ना एक दिन। आई कैप लिख दे रहा है ये, आई वो आई कैप नहीं है भाई। आदत लगा, लगता है वेक्टर कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है तुम, है ना? पीएचडी करने वाला है ये वेक्टर पे। देखो टोपी पे कंट्रोल लगाओ हमेशा, आई लिखने के बाद कंट्रोल। यस, मिटाऊं? हो गया ना इधर? अरे यार देना, ढक्कन भी होता उसका यहाँ पे। चलो क्वेश्चन लिखो। एक जेड इक्वल टू दिया है टू कॉस थीटा माइनस वन प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा इफ जेड इज, पहला पार्ट प्योरली रियल,
सेकेंड पार्ट प्योरली इमेजनरी, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा इफ जेड इज, फर्स्ट पार्ट प्योरली रियल, सेकेंड पार्ट प्योरली इमेजनरी। चलो बताओ, चलो बताओ, अगर जेड प्योरली रियल हुआ तो क्या जीरो? इमेजनरी पार्ट जीरो सर, इमेजनरी पार्ट जीरो मतलब क्या? साइन थीटा जीरो, और साइन थीटा जीरो तो थीटा कितना? जनरल सॉल्यूशन बताओ, फिजिक्स वाला सॉल्यूशन मत बताओ, साइन थीटा जीरो तो थीटा कितना? अरे गधे, जनरल सॉल्यूशन का मतलब समझ में आता है? एन पाई, थैंक गॉड किसी को तो याद है। सर ऐसा भी कुछ होता था क्या? Where n belongs to integer, trigonometric equations, सन 1947 जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तब पढ़ाया था ये सब चीज़। अच्छा, अगर प्योरली इमेजनरी है तो क्या रियल पार्ट जीरो? रियल पार्ट जीरो मतलब 2 cos theta minus 1 equal to 0, cos theta कितना? हाफ, cos theta हाफ, इस हाफ को क्या लिख सकता हूँ? cos pi by 3, cos theta equal to cos alpha, general solution। cos theta equal to cos alpha, theta equal to 2n pi plus minus alpha, तो यहां से जो theta आएगा भाई 2n pi plus minus pi by 3। हमें क्या पता कैसा दिया होगा, कुछ भी हो सकता। ऐसा कुछ याद है तुझे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन? कुछ याद ही नहीं है, इसको रिलेट ही नहीं कर पा रहा है इस चीज को। जैसे यहाँ पे तू बोलता पाई बाई थ्री होगा, बोलता ना, तो यहाँ देख एन इक्वल टू जीरो रखने से पाई बाई थ्री मिल जाएगा। ये जनरल सॉल्यूशन, यहाँ एन का वैल्यू डालते जा सारा वैल्यूज निकल के आता है यहाँ पे। अच्छा सर ये क्या है, तू छोड़ रहे दे, बाद में आराम से देखना। हाँ बाकी सब देख लिया है, और वही बाकी है जो हम पढ़ा रहे हो। बाकी में तो हम पीएचडी कर चुके हैं सर। ये बताओ वैल्यू, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा क्यू डॉट 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 1 प्लस आयोटा पावर 10। जीरो दिखा सबको? सबको तो नहीं दिखा है, कुछ को दिख गया। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग सब खत्म, तो वैल्यू है इसका जीरो। एक बात नोट डाल के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसके बारे में बहुत कहानी लंबी करनी है हमें ज्योमेट्री में, लेकिन फिलहाल इतना ही कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पे एक्स वाई जो है वो रियल नंबर होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम टू डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इधर हो गया x एक्सिस और इधर हो गया y एक्सिस। यहाँ पे इसका नाम है रियल एक्सिस, कैसा एक्सिस? रियल एक्सिस, और इसका नाम है इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस, और इस प्लेन का नाम है आर्गेंट प्लेन, कैसा प्लेन? आर्गेंट प्लेन, जहाँ पे वहाँ पे कार्टिजन प्लेन बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बाकी पुराना कहानी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कहानी है। एक पॉइंट बन गया, ये क्या बन गया? एक पॉइंट, एक पॉइंट बन गया जेड, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई है। तो एक्स क्या होता था, वाई क्या होता था, याद ही है? एक्स होता था वाई एक्सिस से डिस्टेंस और वाई होता था एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स इधर और वाई इधर अगर चले जाएं तो ये रहा पॉइंट तुम्हारा जेड, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कॉमा वाई। इसको यहां से मिला दो तो ये वेक्टर भी बन जाता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत टफ माना जाता है। किस लिए जानते हो?
ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा वेक्टर इसमें आ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट बन जाता है, वो थोड़ी देर बाद एक वेक्टर बन जाएगा आगे जाके, तो ये सारा कहानी को कवर कर लेता है अकेले, इसलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फिलहाल हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। लिखो, नीचे लिखो, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ नहीं हेडिंग, नोट डाल के लिखना है बस, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, लिख लो ये चीज जो बोर्ड पे। इसमें ख्याल रहे एक्स वाई क्या होता है, बार बार पूछ रहा हूं, एक्स वाई क्या होता है, रियल नंबर, क्या होता है एक्स वाई, रियल नंबर। तो जितना पॉइंट होता है टू डायमेंशनल प्लेन में, सब का सब अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए, विच इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऑप्शन दे दूं आपके सामने ढेर सारा, मैं CN फॉर कार्टून नेटवर्क मत समझना, हाँ जी ऑप्शन दे दिया मैंने आपके सामने, सपोज टेन पाई कॉमा टेन पाई बाई टू, दूसरा ऑप्शन दे दूं आपको मैं आयोटा टू द पावर फोर आयोटा टू द पावर फाइव, तीसरा ऑप्शन दे दूं मैं रूट ई आयोटा टू द पावर एट, चौथा ऑप्शन दे दूं आयोटा पावर एट आयोटा पावर ट्वेल्व, पांचवा ऑप्शन दे दूं लॉग टू लॉग माइनस वन, छठा ऑप्शन ले लो अंडर रूट माइनस फोर अंडर रूट फोर, और आपसे बोला जाए इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो क्या बोलोगे? तो बोल पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बस इतना ही बोल, एक्सप्लेनेशन बाद में सुन लेंगे हम। वन, चलो हम ही पूछ लेते हैं, कौन कौन बोलता है वन इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाथ उठाओ। अच्छा टू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कोई नहीं। थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। फोर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। फाइव कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। फाइव सिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। चलो कोई नहीं, तुम लोग कुछ तुक्का उक्का मार रहे हो शायद, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अरे हमने क्या बताया एक्स वाई क्या होना चाहिए, यही तो देखना है यार, रियल किस में है, बस खत्म कहानी। पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, टेन पाई, टेन पाई रियल होता है क्या? ओ दिक्कत तो यहाँ है सर, आप तो कहाँ उधर की बातें कर रहे हो, जमीन पे तो आओ पहले। टेन पाई का वैल्यू कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। जीरो इज रियल नंबर। टेन पाई बाई टू क्या होता है? रियल नंबर है क्या? नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। आयोटा पावर फोर क्या होता है? रियल नंबर है। आयोटा पावर फाइव आयोटा रियल नंबर है। कुछ तो इसमें भी गर्दन मिला दिया, हाँ सर। अरे नहीं है, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, तो नहीं है। रूटी रियल नंबर है? है। आयोटा पावर एट वन होता है, दोनों रियल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैसे ये देखो वन वन है, ये तो रियल है, लेकिन ये लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड ही नहीं होता है, तो रियल है ही नहीं है,
तो ये भी नहीं है। वैसे ये इमेजिनरी नंबर है, ये भी नहीं है, यही देखना था रियल कौन। तुमको क्या लगा ब्रैकेट के अंदर दो दिया है, तुमको क्या लग रहा है क्या दिया है ये? ओ मुझे तो लगा पता नहीं क्या है ये, ऐसे दिया है मतलब पॉइंट है यार। चलो हटाओ, हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज, लिख लो लिख लो। अच्छा लगा, अच्छा लगा। जो अच्छा लगता है वो लिखता है तुम, जो नहीं लगता उसको इग्नोर मार देता है ना। सही है, गलती तो मम्मी पापा अच्छे ना लगे इग्नोर मार देना, ऐसे तो मेरा बाप नहीं, आई डोंट लाइक यू, फील नहीं आया, ये बोलेगा फील नहीं आ रहा है। आपको भी कभी लगा कैसा? हाँ बहुत बार लगा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि इग्नोर मार देना है, फील नहीं भी आए तो उसके साथ जीना है। गहराई मत जाओ, डूब जाओगे। मुद्दे पे आओ, प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, अगर z1 इक्वल टू ए वन प्लस आयोटा बी वन है और z2 इक्वल टू ए टू प्लस आयोटा बी टू है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 इक्वल टू z2 तभी होगा जब क्या, मान लो कि a1 वन प्लस आयोटा बी वन कोई बोले कि a2 टू प्लस आयोटा बी टू के इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब a1 किसके बराबर हो a2 के और साथ में b1 किसके बराबर हो, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 वन मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 और साथ में इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 वन मस्ट बी इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2, यानी कि रियल रियल के साथ बराबर, इमेजनरी इमेजनरी के साथ बराबर, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर। पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बाद में बताता हूँ, पहले तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीख लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, यही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन और जेड टू, इसी की बात कर रहे हैं। मान लो मुझे जेड वन प्लस जेड टू निकालना है, तो बहुत सिंपल है, हमेशा याद रहें रियल रियल के साथ ऐड होता है और इमेजनरी इमेजनरी के साथ, तो जेड वन प्लस जेड टू लिखोगे तो ए वन प्लस ए टू एक साथ आएगा और आयोटा बी वन प्लस आयोटा बी टू एक साथ आएगा, आयोटा कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आएगा बी वन प्लस, तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, इसका रियल पार्ट क्या है दोनों के रियल पार्ट का सम और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है दोनों के इमेजनरी पार्ट का सम, यानी कि अगर कोई बोले कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू क्या है भाई, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड टू, और कोई बोले इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू क्या है, दिस इज इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा सेम कहानी सब्स्ट्रैक्शन में, यहाँ माइनस लगा दूँ यहाँ माइनस लगा दूँ, समझ जाओगे? समझ जाओगे ना, जब माइनस है तो सब माइनस माइनस हो रहा है, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट कहानी है मल्टीप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना। देखो जेड वन इंटू जेड टू निकालना है मुझे, जेड वन इंटू जेड टू क्या किया हमने, हमने लिखा ए वन प्लस आयोटा बी वन, इसका प्रोडक्ट निकालना है हमें किसके साथ, ए टू प्लस आयोटा बी टू के साथ। सबसे पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, बोर्ड पे ध्यान दो, ए वन का दोनों के साथ करूँ तो मुझे मिलता है ए वन ए टू प्लस ए वन आयोटा बी टू प्लस, इसका इन दोनों के साथ करूँ तो आयोटा बी वन ए टू प्लस आयोटा 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 स्क्वायर हो जाता बी वन बी टू। अब रियल इमेजनरी अलग करो, ए वन ए टू रियल है और देखो ये रियल है क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो इसका रियल पार्ट आ गया ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू, दिखा, और बाकी दोनों से आयोटा कॉमन कर लो तो अंदर क्या दिख रहा है ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन, दिख रहा है ना। तो अगर कोई बोलता है कि रियल पार्ट, ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जेड वन जेड टू, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट देखो रियल रियल माइनस इमेजनरी इमेजनरी, दिख रहा है, यानी कि पहले का रियल दूसरे का रियल माइनस पहले का इमेजनरी और दूसरे का इमेजनरी, तो हम इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड टू माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू, और इसका इमेजनरी पार्ट पूछ ले तो जेड वन जेड टू का पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी, दिख रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू, बीच में प्लस साइन क्या
इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू रियल पार्ट ऑफ, तो इसको याद रखने का तरीका देखो, डायरेक्ट करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई हम ये याद रखेंगे कि समथिंग प्लस आयोटा इंटू समथिंग आएगा, तो रियल पार्ट में जो आएगा वो आएगा रियल रियल माइनस इमेजनरी इमेजनरी, और आयोटा के साथ जो आएगा वो आएगा रियल इमेजनरी प्लस इमेजनरी रियल। बात समझ में आ रही है? इसको लिखो फिर एग्जाम्पल्स कराते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है भाई, सुनो याद रखो, रियल पार्ट में आता है रियल रियल माइनस इमेजनरी इमेजनरी, और इमेजनरी पार्ट में आता है रियल इमेजनरी प्लस इमेजनरी रियल। अरे यार तू निकल क्यों रहा है बार बार? स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, अगले वीक सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। या खुद से पढ़ लेगा तुम लोग? और एक टू का आता है? अरे वही तो है रीजनिंग का दे, वही तो बोल रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग।
एक टू आता है ना, वो कीड़ा कीड़ा रहता है उसमें ना, कीड़ा जैसा चलता है। एप्लीकेशन पूरा कंप्यूटर उसी पे चलता है यार। हाँ हमें किसी और चीज का चिंता है, उसको किसी और चीज का चिंता है। छुट्टी लेके हनीमून मनाने जाएगा तू, छुट्टी मिलेगा क्या है यार? टू प्लस थ्री आयोटा को मल्टीप्लाई करना है थ्री प्लस फाइव आयोटा के साथ। ऐसे बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखो एक बार में करेंगे खत्म कहानी। हमें लिखना है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट में होगा रियल रियल कितना हुआ सिक्स माइनस इमेजनरी इमेजनरी कितना 15, 6 माइनस 15 कितना माइनस 9। ठीक, इमेजनरी पार्ट के लिए रियल इमेजनरी कितना हुआ 10 प्लस इमेजनरी रियल कितना हुआ 10 प्लस 9 कितना 19 आयोटा, खत्म, इसका वैल्यू ये आएगा, समझ गए बात। चलो एक और करके दिखाता हूँ, अभी कुछ लोग कोमा में। माइनस 3 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना था 2 माइनस 7 आयोटा के साथ। चलो रियल पार्ट बताओ, रियल रियल माइनस 6, बीच में माइनस साइन है, इमेजनरी इमेजनरी माइनस 35, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 35, तो माइनस 6 प्लस 35 29। इमेजनरी पार्ट बताओ, रियल इमेजनरी 21 प्लस इमेजनरी रियल 21 प्लस 10 31 आयोटा। समझ में आ रहा है कहानी? लिखो। अरे होगा, हमें तो टाइम बचा रहा हूँ तुम्हारा, तुम नॉर्मली करो, हमें अब नॉर्मली करेंगे। ये बताओ, कितना 61 28 आई, देखो सही बोल रहा है क्या ये, चेक करो सब लोग। देख गलत कर दिया तेरा, 28 आ रहा है, अभी तो तीन ही हुआ ना, तीन लोग आंसर बोला है तो तीन वैरायटी हुआ, रुको अभी अभी बाकी है। माइनस ट्वेंटी एट देख बढ़ गया वोट माइनस 28 में। देखो भाई रियल रियल 12 माइनस माइनस 49 माइनस माइनस हो गया प्लस कितना हो गया 61। ठीक, रियल इमेजनरी 14 प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 42, 14 माइनस 42 माइनस 28, समझे? प्रॉपर्टीज है इसका क्या, दो तीन प्रॉपर्टी है वो भी लिख लो। पहला बोलता है कि जेड वन इंटू जेड टू लिखो चाहे जेड टू इंटू जेड वन लिखो, बात बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है जेड वन जेड टू जेड थ्री, पहले जेड टू जेड थ्री को मल्टीप्लाई करो या पहले जेड वन जेड टू को करो, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी है कि जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री हो तो आप इसको लिख सकते हो जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव तीनों लॉज को फॉलो करता ही है। ये तीन नंबर था शायद ना, चार नंबर, इनवर्स इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बोर्ड पे ध्यान दो आप। जैसे जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, मुझसे बोला कि इसका इनवर्स निकालो, इनवर्स इसका डिनोट करते हैं जेड इनवर्स, जेड पावर माइनस वन से, इसका मतलब कुछ नहीं है वन बाई जेड है। क्या है इसका मतलब? वन बाई जेड का मतलब हो गया वन बाई
ए प्लस आयोटा बी। अब वन बाई ए प्लस आयोटा बी कभी नहीं बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी बोलते हैं हम ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बोलते हैं, डिनोमेटर में लाके हम नहीं बोलते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, रेशनलाइज करके ए प्लस आयोटा बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए माइनस आयोटा बी ऊपर और नीचे भी ए माइनस आयोटा बी। ठीक, क्या बनेगा बताओ, ऊपर तो आ गया ए माइनस आयोटा बी और नीचे देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक तो ए स्क्वायर हो गया माइनस, जब बी स्क्वायर करोगे देखो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर कितना होगा माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्या सर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आके अगर कभी x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई मिले तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि एक आयोटा स्क्वायर आता है और वो माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। अब देखो ये बन गया जेड इनवर्स का वैल्यू, ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बोले इसका रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट अलग करो तो कर सकते हैं, ए के साथ आ गया कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस आयोटा वाई, ये रहा रियल पार्ट, ये रहा इसका इमेजिनरी पार्ट विद द माइनस साइन। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इनवर्स निकालना है तो प्लस को माइनस करो और नीचे दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, खत्म कहानी। नहीं समझे, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं दिया हुआ है जेड इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा, क्या होगा इसका इनवर्स, थ्री माइनस फोर आयोटा डिवाइडेड बाई नाइन प्लस सिक्सटीन, यानी कि जेड इनवर्स आएगा थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव। दिख रहा है सबको, अगर कहीं दिख रहा है जेड इक्वल टू माइनस टू माइनस सिक्स आयोटा, क्या होगा इसका इनवर्स, माइनस टू प्लस सिक्स आयोटा डिवाइडेड बाई फोर प्लस थर्टी सिक्स, माइनस टू स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स स्क्वायर, फोर प्लस थर्टी सिक्स कितना फोर्टी, तो जेड इनवर्स आ जाएगा बच्चों माइनस टू बाई फोर्टी प्लस सिक्स बाई फोर्टी। बात समझ आ रहा है सबको, नोट करो जल्दी फटाक से। क्या रे, क्या कोड वर्ड में क्या स्माइल दे रहे दोनों, साउंड अजीब आ रहा है। तो दोनों हरामी एक ही स्कूल में है क्या, अच्छा एस एफ एस का है, वो तो हरामी लगता नहीं है देख के, हमको पता है क्या है, हो सकता है मास्क के पीछे कुछ और छुपा हो, ये पढ़ने वाला है। प्रीति कौन से स्कूल का है, एमबीएम, एमबीएम, अच्छा कहाँ पे, सिलपुखरी, तुमसे जूनियर बच्चा सब डरता ही नहीं होगा बे। चलिए एक और चीज है डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जेड वन मान लो दिया हुआ है ए वन प्लस आयोटा बी वन और जेड टू दिया हुआ है तुम्हारे सामने ए टू प्लस आयोटा बी टू और मुझे निकालना है जेड वन बाई जेड टू, जेड वन को जेड टू से करना है डिवाइड, तो बिल्कुल इनवर्स जैसा ही करना है, कुछ नया नहीं है इसमें। क्या करना होता है, हमने लिखा a1 वन प्लस आयोटा बी वन डिवाइडेड बाई ए टू प्लस, अब फिर से बात वही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, रेशनलाइज। ठीक है, देखो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट रेशनलाइज करके हम सॉल्व कर लेंगे, समझाने के व्यू से अगर मैं बोलूं तो क्या मैं इसको जेड वन इंटू वन बाई जेड टू लिख सकता था, यानी कि जेड वन इंटू जेड टू इनवर्स लिख सकता था, यानी कि जेड वन तो क्या है ए वन प्लस आयोटा बी वन मल्टीप्लाइड बाई जेड टू इनवर्स क्या होता, ए टू माइनस आयोटा बी टू डिवाइड बाई ए टू स्क्वायर प्लस
बी टू स्क्वायर कैसे लिख सकते थे, और बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमें आता ही है, क्या होता ए वन ए टू माइनस माइनस हो जाता प्लस बी वन बी टू दिख रहा है, प्लस आयोटा इंटू रियल इमेजनरी माइनस ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन डिवाइडेड बाई ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। तो इसके लिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद नहीं रखना है, ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। अगर कभी तुम्हारे सामने आ जाए 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 आयोटा, बोले कि इससे डिवाइड करो, तुम कुछ मत करना, वो सब मत सोचना, 2 प्लस 3 आई बाई 1 प्लस 4 आई, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 माइनस 4 आई बाई 1 माइनस 4 आई से, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आयोटा का साइन चेंज करके, और ऊपर प्रोडक्ट हमको आता है, बोलो कितना आता, 2 माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, माइनस माइनस क्या हो गया 2 प्लस 12 कितना हो गया 14, और बोलो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 16 कितना 17, तो ये बन जाता 14 बाई 17 माइनस 5 बाई 17, बात समझ में आ रहा है, तो डिवाइड हम ऐसे ही करेंगे हमेशा, लिखते जाओ। सारा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू ही नहीं हुआ, अभी तुमको एक दो क्लास खूब मजा आएगा, लगेगा वाह कितना आसान है, वाह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन, वाह अचानक से जिंदगी चेंज हो जाएगा, देखना दो तीन क्लास के बाद लगेगा ये क्या हुआ। तुम लोग रोटेशन पढ़ लिया क्या, रोटेशन नहीं पढ़ा है ना अभी तो, अच्छा रोटेशन से तो बहुत दूर है अभी, फिजिक्स में रोटेशन भी ऐसा ही चैप्टर है, फिजिक्स का रोटेशन और मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों भाई भाई है, स्टार्टिंग दो क्लास इतना मजा आता है, लगता है वाह ये पहले क्यों नहीं आया, उसके बाद लगता है ये क्यों आया। लेकिन कोई नहीं टेंशन मतलब समझा दूंगा मैं, लिख लिए चल रुक गया, आराम से लिखो। साजिद खान 29 एज 30 31 1, क्या लिख दिया ए टू प्लस बी वन लिख दिया ए टू बी वन, मैं पार्टी कब दे रहा हूं आज, आज हम 11th वाला सब हरामी है, सब सब चीट फूट आता है, कभी चार आता है कभी पांच आता है, इन लोगों को यूनिटी नाम का चीज है ही नहीं इनमें, आज कितना तारीख है 29 30 31, नेक्स्ट क्लास हमारा 31 को है, चलो 31 को पार्टी, थर्टी वन को सब चीटी जैसा आएगा ना, ठीक है ठीक है, जो ऑनलाइन आएगा उसको ऑनलाइन पार्टी मिलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे दिखाया जाएगा लेखा लेखा। चलिए सवाल करते हैं हम लोग, हाँ 31 को सबको चिकन बिरयानी मेरे तरफ से, वेज वालों को कुछ नहीं, कोई वेज है क्या, है क्या कोई वेज, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, प्रीति वेज है क्या तुम, अनफेयर है, कौन कौन किसको अनफेयर लग रहा है भाई। चलिए जी सवाल पे आते हैं, सब लोग बोर्ड पे चलो, हाँ चलता है ये सब नियम हमारे पास नहीं है, 31st थर्सडे क्लास नहीं है क्या तुम्हारे, है ना भाई, प्लीज भाई प्लीज, एक तो पार्टी दो पर थर्सडे देखो,
पागल समझा क्या मुझे? बाहर खा लेता है देखो। जेड वन दिया एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स आयोटा, जेड टू दिया है फोर प्लस, जल्दी जल्दी करो, एक्स माइनस वाई इंटू आयोटा, इफ जेड वन इक्वल टू जेड टू फाइंड एक्स एंड वाई। बहुत बच्चों वाले सवाल है, एक दो तो। अगर जेड वन जेड टू बराबर है तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करें। क्या रियल रियल बराबर इमेजनरी इमेजनरी बराबर? यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू फोर एंड 6 इक्वल टू, दो इक्वेशन दो अननोन, बच्चों वाला सॉल्यूशन बताओ, x कितना रहे 5, y कितना रहे, y माइनस वन कैसे आएगा रे, माइनस वन आएगा कि वन आएगा, माइनस वन आएगा। अरे साजिद खान टेंशन में आ गया था, ये क्या बोल रहा है साजिद खान, मुझे पार्टी दे रहा है एक तारीख को वैसे। थ्री आयोटा टू द पावर फाइव, मुंडी फोड़ दूंगा मैं तेरा। टू आयोटा टू द पावर फोर प्लस फाइव आयोटा क्यू प्लस फोर आयोटा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। अपना एड्रेस दे देना, सबको बांट दूंगा मैं, सब पहुंच जाएंगे। वैसे भी जो तू बनाएगा वो कोई खाएगा नहीं, टेंशन ले। नहीं नहीं हम तो खा के आएंगे, तुम टेंशन मत लो। तुम अब साजिद अरमान जैसा बेवफा ना निकले बस। अरमान ने तो जो धोखा दिया है भाई, उसका मटन बिरयानी मैं पिछले एक साल से खा रहा हूँ लगातार। क्या आज तक मटन नहीं बना ना तेरे घर पे? उसके बाद बना ही नहीं ना कभी। चलो भाई एक्स, क्या क्या x माइनस वन और y माइनस टू, सबका यही आ रहा है क्या? कुछ कुछ लोग का तो आ ही नहीं रहा होगा। यस सर, ऐसे ही बोल रहा है ना तू? अरे चलो आयोटा फॉर फाइव, क्या आयोटा हो जाता है? तो ये हो गया आयोटा, आयोटा फोर वन हो जाता है, आयोटा क्यू माइनस आयोटा हो जाता है, तो ये हो गया माइनस फाइव आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ रियल इमेजनरी अलग कर लो, रियल हो गया टू प्लस वन थ्री माइनस फोर माइनस वन, और इमेजनरी हो गया थ्री आई माइनस फाइव आई कितना माइनस टू आई इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर दोनों बराबर है तो एक्स माइनस वन होना चाहिए था और वाई माइनस टू होना चाहिए था, सही बात? कोई तकलीफ किसी को? अगला सवाल, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा, फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन कुछ नहीं, वो है सामने लिखा है, आरएचएस को सॉल्व करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले से डिवाइड करना है, और दोनों आते हैं तुमको, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, ए और बी इक्वेट कर दो, खत्म। बोल तुलसी आंसर, ए माइनस थ्री बी टू, ये आ रहा है।
कुछ लोग अभी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जान लगा रहे हैं, तो एक बार फिर से उनको सिखाऊं मैं, हालांकि मैं सिखा चुका था एक बार, मैं अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। देखो इधर इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रियल रियल टू माइनस इमेजनरी इमेजनरी थ्री, टू माइनस थ्री, सीख लो एक बार में और उसको अप्लाई करो। कुछ लोग, बहुत लोग देख रहा हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने में। उसके बाद रियल इमेजनरी टू प्लस इमेजनरी रियल थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, तो प्लस फाइव आयोटा। नीचे चल रहा था वन माइनस आयोटा, क्या मल्टीप्लाई कर दें वन प्लस आयोटा बाई वन प्लस आयोटा से, करो मल्टीप्लीकेशन ऊपर फिर से। रियल रियल माइनस वन, इमेजनरी इमेजनरी फाइव, माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स, रियल इमेजनरी माइनस वन, इमेजनरी रियल फाइव, माइनस वन प्लस फाइव प्लस फोर आयोटा। नीचे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू, तो ध्यान से देखो तो माइनस थ्री प्लस टू आयोटा नहीं हो गया, इक्वेट करें तो ए माइनस थ्री और बी टू। वन बाय एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इक्वल टू नहीं है प्लस है, प्लस वन प्लस आयोटा स्क्वायर बाय वन माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस आयोटा, फाइंड एक्स एंड वाई। अच्छा वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर कितना होगा, चाहो तो साइड में तोड़ लो, चाहो तो वहीं तोड़ो, तुम्हारी मर्जी है। इसका मतलब वन स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये खा जाएगा इसको, कितना आएगा वैल्यू टू आयोटा। सिमिलरली वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर जो होता है वो माइनस टू आयोटा होता है, चाहो तो याद रख लो, वैसे एक लाइन का ही है, ये और भी जगह यूज आएगा इसका। तेरी राह तके अखियां, एक्स माइनस हाफ और वाई हाफ, क्या बोलते हो तुलसी, कंप्लीटली डिफरेंट। तेरा आंसर सुन के मुझे सही लग रहा है, पता नहीं क्यों फील आ रहा है, मतलब बाकी दोनों से फील नहीं आया। देखते हैं, वन बाय एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या ये टू आयोटा था और नीचे माइनस टू आयोटा था, आगे है वन प्लस आयोटा, टू आयोटा ने टू आयोटा को मारा, तो वन बाय एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या यहाँ माइनस वन बचा, इक्वल टू वन प्लस आई, उसको उधर भेज दें, तो वन बाय एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कितना टू प्लस, उल्टा कर लो यार, अभी इसको कंजुगेट बनाओगे तो झमेला बढ़ेगा है ना, उल्टा कर लो इसको, यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कितना वन बाई टू प्लस, और इसको सॉल्व करना आसान है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, टू माइनस आयोटा बाई टू माइनस आयोटा से, तो ऐसा लगता है जैसे x प्लस आयोटा वाई, ऊपर तो रहा टू माइनस आयोटा और क्या नीचे फाइव बन गया फोर प्लस वन, तो देखो वो सही बोल रहा था, मैंने बोला था ना x टू बाई फाइव और y माइनस वन बाई फाइव, दिख रहा है x इक्वल टू टू बाई फाइव एंड y इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव, किधर जीरो होल स्क्वायर कर दिया। सर, मैंने वो प्लस लिखा है। कौन सा प्लस नहीं लिखा बे, वाह तेरा तो एक टू करके रखा था इसलिए, तेरा तो रूट ही खराब है।
नेक्स्ट जेड इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड थीटा इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड थीटा इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड थीटा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड थीटा पहले सिंप्लीफाई करो प्योरली इमेजिनरी है तो पता है क्या करना है क्या करना है रियल पार्ट जीरो तो पहले सिंप्लीफाई कर लो रियल पार्ट निकाल लो पहले तो वही कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड वही काम है रियल पार्ट अलग करना है वक्त की कैद में जिंदगी अरे वेज कोई है तो नहीं ना बता दो अभी से उसके लिए कुरकुरे उरकुरे ले आऊंगा मैं चलो जी क्या तुमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 2 आई साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आई साइन थीटा से बोलो बोलते नहीं नहीं किया काय नहीं किया मैं करना था धमाल मूवी थोड़ी चल रहा है क्या आपने कर दिया नहीं करना था सही देखो नीचे तो क्या आ गया बच्चों नीचे आ गया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा दिख ही नहीं रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख गया ऊपर बताओ रियल पार्ट में रियल रियल 3 माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा टाइम्स मैं नहीं लिख रहा इसको लिखूं क्या छोड़ो आटा उसका जरूरत है क्या मुझे मुझे कौन सा पार्ट चाहिए इसका रियल पार्ट तो रियल पार्ट ये तो रहा दिख रहा है ना फॉर प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट शुड बी जीरो प्लस क्यों होगा अरे माइनस आता था ना रियल रियल माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी अरे आई को हम काउंट कहां करते थे शॉर्ट ट्रिक लगा रहे भाई हम कहां तू 1947 में जी रहा इतना मल्टीप्लिकेशन के बाद यहां डाउट पूछ दिया ये बताओ अरे माइनस ही होगा ना पक्का ना रहने दो इसको कोमा में तो रियल पार्ट इसका जीरो होना चाहिए और क्या हमें रियल पार्ट दिख रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इट शुड बी जीरो सही बात ये पूरा उधर जाके जीरो हो गया तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 बाई 4 बोलो क्या हम इसको रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं अच्छा तो क्या मुझे मिल गया साइन थीटा इक्वल टू या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 कितना का वैल्यू होता है 60 क्या इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 3 लिख दूं अच्छा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा एक तो आंसर पाई बाई 3 दिख रहा है अगर ऑप्शन में हो तो टिक कर देना अगर जनरल पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता था सर सिंपल वाला तो याद नहीं था आप तो लास्ट वाला पूछ रहे हो कभी तो पढ़ लिया करो रे गधों कभी तो थीटा होता था एन पाई प्लस माइनस एन पाई प्लस माइनस अल्फा ये होता था क्या मान लो फिलहाल तो यहां से थीटा का वैल्यू आ गया एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 चलिए आज के लिए इतना ही यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कुछ ऐसा चीज़ जो समझ में ना आया हो क्या सुन सी आ गया तो बहुत बढ़िया नहीं आया तो और भी बढ़िया